हेलो गाइस, वेलकम टू अच्छा ने। दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से CHSL एग्जामिनेशन 2023 का यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन पब्लिश हो गया है, तो इसको आप लोग जो है आज ही से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 8/6/2023 तक आप लोग इसको जो है लास्ट डेट दिया गया है, जहाँ पर आप लोग को ऑनलाइन पेमेंट करने का भी लास्ट डेट यहाँ पर जो 10/6 यहाँ पर बोला गया है। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कितना पोस्ट और क्या क्या पोस्ट दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पर लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट पोस्ट में आप लोग को यहाँ पर जो होने वाला है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ पर जो पोस्ट दिया गया है। तो वैकेंसी की बात करते हैं, यहाँ पर जो 1600 वैकेंसी का यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप लोगों का 1600 वैकेंसी में यहाँ पर भर्ती होने वाला है। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो है आप लोगों का क्वालिफिकेशन और अदर्स जो डिटेल्स यहाँ पर, तो नेशनलिटी इंडियन सिटीजन होना होगा, सब्जेक्ट टू नेपाल, सब्जेक्ट टू भूटान। उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोगों का एज जो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 18 से 27 ईयर के बीच में आप लोगों का एज यहाँ पर होना होगा, तभी आप लोग इसको अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद बात करें यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की, तो SC ST OBC PWBD और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर जो है बोला गया है जो कि आप लोग जानते होंगे कि यहाँ पर जो है CHSL मतलब यहाँ पर जो है 12th स्टैंडर्ड पास आप लोग को होना होगा। उसके बाद बात करें कैसे अप्लाई करने की, दोस्तों यहाँ पर जो आप लोग को SSC का ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। जाने के बाद आप लोग को जो है यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा दोस्तों। इसके लिए आप लोग को एक एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा, यहाँ पर 100 रुपये का आप लोग को एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा, जहाँ पर बोला गया कि SC ST PWBD एक सर्विसमैन और वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देने का ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जल्दी कीजिए, यहाँ पर से अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।